नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश के हमारे जोन है, उस जोन के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और सर अध्यक्षों की बैठक थी और प्रदेश के महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष और हमारे AIC सेक्रेटरी श्री रोहित चौधरी जी भी यहाँ उपस्थित है। निश्चित रूप से संगठन को गति देने के लिए, संगठन का जो ढांचा है उसको बनाने के लिए और जो ब्लॉक और जिले स्तर के संगठन का निर्माण करना है, उसका स्वरूप क्या हो, कैसे उसका निर्माण हो, इन्हीं विषयों को लेकर विषय मुद्दे जो किसान, नौजवान, महंगाई, इन सभी विषयों पर सामरिक चर्चा हुई है, उसकी एक ठोस रणनीति बनी है और आगे हम सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में ले जाएंगे और जन जन तक पहुंचाकर इस सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने लगातार जो संविधान की हत्या करती जा रही है, लगातार लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है, किसान, नौजवान, आम आदमी, महिला सुरक्षा, इस उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती है, इन सब विषयों पर चर्चा हुई और विस्तार से चर्चा के बाद हमने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से हम लोगों की भागीदारी के साथ किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की आवाज पर एक संघर्ष। जैसे कि आज आप आने पर यहाँ पे जो निष्कासित कांग्रेसियों ने काफी विरोध किया है, आज कल मुझे तो जानकारी नहीं भैया, मुझे तो यहीं आना था और अपने पार्टी के बैठकों पे, पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष है, सर अध्यक्ष हैं, इनके साथ बैठना था। आपके ग्रुप में काफी नारे लगाए उन लोगों ने, पता नहीं कहाँ लगाए, हम तो नहीं जानते। इस बार उसकी विजुअल्स हैं हम लोगों पास, हो सकता है। तो जिस तरह से अंतरकला देखी जा रही है कांग्रेस के अंदर, कोई अंतरकला नहीं है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होगा, अनुशासन जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जो 22 आपने किए हुए हैं, मैंने कहा ना, जो अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर उन लोगों ने। ठीक है भैया, धन्यवाद। मैं समझता हूँ आप लोग की दोनों जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।